नमस्कार दोस्तों, बेलों से जुड़ी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत और यूनिक बेल के बारे में, जिसका नाम हिंदू पर्व से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आने वाले दिनों में जो त्यौहार अपना आ रहा है वो राखी का त्यौहार आ रहा है, जिसकी अन्य अलग मान्यताएँ हैं। और आज हम जिस बेल की बात करने जा रहे हैं उस बेल का नाम इसी त्यौहार के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है राखी बेल, जिसको कि पैशन फ्लावर भी हम बोलते हैं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और उस पर जो फ्लावरिंग आती है वो सेम एक तरीके की राखी की डिज़ाइन में आती है, उसी के कारण इसका नाम जो है राखी बेल रखा गया है। और राखी बेल किस तरीके से लगाई जाती है, क्या क्या उसकी सावधानियाँ होती है और किस तरीके से ये आपके घर, गार्डन, पार्किंग और आपके फार्म हाउस की जो ये खूबसूरती को बढ़ाती है, वो सारी हम जानकारी इसी वीडियो के जरिए जानेंगे हमारे बागवानी विशेषज्ञ श्री राजेश कुमार सैनी जी के द्वारा। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जानकारी के लिए चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आज फिर हम बात करते हैं पैसी फ्लोरा बेल के बारे में, जिसको कि राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है, पैशन फ्लावर के नाम से जाना जाता है, कृष्णा कमल, कौरव पांडव भाई, त्रिदेव फूल और राखी बेल तो कॉमन नाम है ही, जो हर व्यक्ति जानता है। विश्व के कुछ सुंदर फूलों में इसकी गिनती की जाती है। बेहद सुंदर फूल आता है, आकर्षक फूल आता है और राखी के त्यौहार के समय ये भरपूर फूल वाली बेल होती है और बेहद आकर्षक होती है। जिस तरीके से राखियां आकर्षक होती हैं, उसी प्रकार से ये बेल भी आकर्षक फूलों से लदी हुई होती है, इसलिए इसे लोग राखी बेल भी कहते हैं। राखी बेल एक तरह से बहुवर्षीय बेल है जिसमें भरपूर फूल आते हैं और इसकी जो बढ़वार होती है वो भी बड़ी तेज़ी से होती है। जब भी आप इसे लगाएं, तो अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन पर लगाएं ताकि इसकी फुल ग्रोथ हो सके, और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो पॉट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो 12 इंची या 14 इंची वाला पॉट लें, ताकि आपको रिपॉटिंग की समस्या से निजात मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, राखी बेल यानी कि आपको सपोर्ट सिस्टम इसको प्रदान करना पड़ेगा ताकि ये बेल सही ढंग से आगे चल सके। और इसमें टेंट्रिल्स भी होती हैं जो कि रस्सी को पकड़ कर आगे ऊपर बढ़ती हैं। आप इसको अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, आपकी दीवारों पर चढ़ा सकते हैं, ट्रेलिस पर चढ़ा सकते हैं, परगुलास पर चढ़ा सकते हैं, जहां आपको जगह लगे इसे काम में लिया जा सकता है। परंतु इसकी एक कमी है, वो ये है कि ये सर्दियों के अंदर डॉर्मेंसी में चली जाती है, उस समय इसमें पत्ते नहीं रहते। ऐसे समय में आपको वहाँ पर बिन पत्ते की बेल नज़र आती है, बाकी के समय इसमें भरपूर पत्ते रहते हैं, साथ ही सुंदर फूल आते हैं। अगर आप इसको पानी ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा पानी देने की वजह से इसके गलन की समस्या आ सकती है, अगर उसमें पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है ज़मीन के अंदर। इसलिए जब जहाँ पे भी लगाएं वहाँ पे वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। पॉट में लगाएं तो ड्रेनेज का विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए, और पॉटिंग का जो मिक्सचर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप गार्डन सॉइल 50% ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद 20% ले सकते हैं, सैंड जो है रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं 10%, और कोकोपिट जो है 20% मिलाकर आप मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। और अपने जो पॉट्स हैं, आम तौर पर जो हम बोलते हैं 12 इंच वाला या 14 इंच वाले पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पॉटिंग मिक्सचर बना सकते हैं और बाज़ार से अच्छी नर्सरी से ये पौधा ला के लगा सकते हैं। पौधे को एक बार लाना है, बाद में आपको अपने पौधे खुद बनाने हैं। कैसे बना सकते हैं? राखी बेल का जो प्रोपोगेशन है यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो है, आपको दूसरी बेलें तैयार करनी है तो एक बार आपको पौधा लाना है, उसके बाद में आप कटिंग्स के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा और साथ में बीज के द्वारा ये पौधे तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे हम सब जानते हैं कि जो चीज़ बीज से तैयार होती है उसमें जो फूल आने में या फ्रूट आने में समय लगता है, वैसे ही इसमें भी होता है। अगर आप कटिंग्स लगाते हैं तो आपको जल्दी फ्लावरिंग मिलती है। राखी बेल को लगाने का जो सही समय है वो है फरवरी मार्च या फिर मानसून का समय यानी कि रेनी सीजन, जुलाई अगस्त सितंबर में आप लगा सकते हैं, और यही समय उपयुक्त होता है उसकी कटिंग तैयार करने के लिए भी। पैशन फ्लावर की जो पौधा होता है उसकी रूट्स बड़ी जल्दी, जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए उसे अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो बड़े गमले में लगाएं। सर्दियों में हमें इस बेल को पाले से बचाना पड़ता है, और आमतौर पर ये देखा गया है कि जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं वहाँ पर ये बेल जो है डॉर्मेंसी में आमतौर पर चली जाती है, लीफ फॉल हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और सर्दियों में भी कम से कम 2-3 घंटे की जो सनलाइट है इसको चाहिए,
और गर्मियों के समय में या वर्ष भर इसको 6 से 8 घंटे की जो धूप होती है वो अच्छी होती है। इसके लिए ज़्यादा धूप मिलती है तो अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आप इस पौधे को शेड में लगा देते हैं तो इसमें पत्ते ज़्यादा आते हैं, फूल कम आते हैं या ना नहीं के बराबर आते हैं। इसलिए धूप वाली जगह पे इसे लगाएं ताकि वर्ष में जो फूल आएँ बड़े साइज़ के आएँ और सुंदर आएँ। वैसे तो इस बेल को रेगुलर वाटरिंग की आवश्यकता होती है, परंतु आमतौर पर जब पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है यानी कि जो सर्दियों का समय होता है उस समय इस पौधे को आपको कम पानी देना है और बाकी के समय आपको बराबर नमी बना के रखनी है। आमतौर पर ये देखा गया है लगभग 550 से ज़्यादा प्रजातियाँ पैसी फ्लोरा जीनस की हैं और इसमें से जो है लाल रंग वाला जो पैसी फ्लोरा है या फिर नीले रंग वाला या फिर पर्पल कलर वाला या फिर आप पाएंगे सफ़ेद रंग वाला जो ये राखी बेल है ये हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है क्योंकि लोग बहुतायत में इसे लगाना पसंद कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी में इसकी खोज पेरू यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर की गई और बाद में वहाँ से इस पौधे को यूरोप में लेके जाया गया और वहाँ पे जाकर पाया गया कि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस बेल की जड़ें गहरी जाती हैं या ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं तो वो एक तरह से हैवी फीडर होती हैं, इसलिए जिस समय इनको फूल आते हैं उस समय हमें इनको खाद देनी पड़ती है। आप उस समय आप 19-19-19 NPK फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, साथ में 13-0-45 दे सकते हैं, 0-0-50 भी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की सड़ी हुई खाद और नीम की खल भी दी जा सकती है जिससे बड़े साइज़ के फूल आएंगे और सुंदर बेहद सुंदर फूल आएंगे। बेल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ सकिंग पेस्ट होते हैं, एफिड्स हो गए, मिली बग हो गया, इनका इन पे माइट्स हो गए, इनका अटैक इस पे पाया जाता है, तो ऐसे में इनसे निजात पाने के लिए 3 ml नीम ऑयल प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जा सकता है। साथ ही इसके अलावा आप सोपी वाटर जो होता है साबुन का घोल तैयार करके उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स जो हैं 19-19-19 13-0-45 0-0-50 इनका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप छिड़काव करते हैं तो बेहद अच्छे नतीजे मिलते हैं, सिवाय सर्दियों में इसका स्प्रे नहीं करना। ये बेल बड़ी तेज़ी से फैलती है इसलिए इस बेल को के फैलाव को एक निश्चित दायरे में रखने के लिए प्रूनिंग करना बेहद आवश्यक होता है। प्रूनिंग कर हम इस बेल को बूशी बना सकते हैं और उस वजह से इसमें बड़े फूल आते हैं और बेहद सुंदर आकर्षक फूल आते हैं। जब ये बेल पे फूल खिलते हैं, कृष्ण कमल खिलता है, तो बहुत सारे पॉलिनेटर्स को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। बटरफ्लाइज, बीज, हमिंग बर्ड इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और हमारे बगीचे में चहल पहल बढ़ जाती है। राखी बेल पे आने वाला जो पैसी फ्लोरा फूल है वो एक तरह का ऐसा फूल है जिसमें पूरा महाभारत बसता है, साथ ही इसमें भीनी भीनी खुशबू भी होती है। आकर्षक फूल सबको का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। पैशन फ्लावर में एक तरह से हम कह सकते हैं मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, उसकी अस्थमा की बीमारी से निजात दिलाने में सहायक है, अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाता है, साथ ही आपका जो डाइट्री सप्लीमेंट्स होते हैं उनको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करता है। पैशी फ्लोरा बेल पे जब फूल आते हैं, फूल आने के बाद में फल आते हैं, तो फल जो होते हैं वो जब पक जाते हैं तो उससे जो है आपको पैशन फ्रूट प्राप्त होता है और पैशन फ्रूट जो होता है वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश और साथ ही लो कंटेंट सोडियम के और हाई कंटेंट जो होता है वो पोटेशियम का होता है, ये सारी चीज़ों का समावेश उसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और इन सभी चीज़ों की वजह से ही इसका जो है मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं पैशन जो फ्रूट है वो एक तरह का ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि पर्पल और येलो रंग में आता है और इससे काफ़ी जूसेस के साथ इसका जूस मिक्स किया जाता है और अलग से इसका जूस भी बनाया जाता है और इस जूस के अंदर जो है मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से तनाव कम करना के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है और हमारे भारत में तो इस फूल को पूजा स्थल पर भी काम में लिया जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए। अंत में मैं कहूँगा कि पैसी फ्लोरा जो बेल है, राखी बेल है, वो बेहद आकर्षक बेल है
और इसमें सुंदर फूल आते हैं, बेहद आकर्षक लगते हैं और इसकी आकर्षकता को देखकर आपको अपने बगिया में इसको स्थान देना चाहिए। साथ ही इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। आओ कृष्ण कमल लगाएं, अपनी बगिया को सुंदर बनाएं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो अनुभव हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।